हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये कैलकुलस का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है हमारे पास। इससे पहले इस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ओपन सेट क्या होते हैं, क्लोज सेट क्या होते हैं, इंटरवल क्या होते हैं, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होता है और उनकी डेफिनेशंस एवं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ी थी हमने। इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉइंट फॉर अ सेट। किसी सेट के लिए पॉइंट्स के टाइप किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स? अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर स्टार इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ इट हैज अ नेबरहुड यू लाइंग एंटायरली इनसाइड एस। यानी कि हमारे पास सपोज कि एस एक सेट है जो कि सबसेट है आर स्टार, तो उस कंडीशन में एक पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। अगर एक्स का कोई नेबरहुड नेबरहुड ऑफ, कई बार हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं नेबरहुड ऑफ एक्स, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। ये पूरा इंटरवल जो है वो एस का सब इंटरवल हो, यानी ये इंटरवल को अगर हम एन डेल एक्स दे रहे हैं तो उस कंडीशन में एन डेल एक्स जो है वो सबसेट ऑफ एस होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि एक्स जो पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ से हो जाती है कि एस जो पॉइंट हो वो एक्स के अंदर लाइज करना चाहिए, उसका लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वो लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, उसकी बाउंड्री पे बाउंड्री पॉइंट नहीं होना चाहिए इसका। अब जैसे ये एग्जाम्पल है हमारा फोर एग्जाम्पल दस सेट, ये हमारे पास एग्जाम्पल ई बराबर माइनस फोर फाइव एंड सिक्स एंड थ्री, ये तो इंटरवल है, ये सिक्स एंड थ्री टू पॉइंट्स है एंड ये इंटरवल नाइन टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखें माइनस टू थ्री इवन थ्री एंड इलेवन जो है वो इंटीरियर पॉइंट है एंड इन्फिनिटी इज ऑल्सो इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि माइनस टू जो है वो इसके अंदर आएगा। माइनस टू का नेबरहुड यानी कि माइनस अगर वन पॉइंट नाइन सॉरी माइनस टू पॉइंट वन से माइनस टू लेस देन माइनस वन पॉइंट नाइन, तो ये हमारे पास इसके अंदर है तो ये इंटीरियर पॉइंट है। थ्री भी इसके अंदर आएगा, इलेवन जो है वो इसके अंदर आ जाएगा तो वो इंटीरियर पॉइंट है। बट अगर जैसे हम बात करें सिक्स की या फाइव की बात करें, फाइव की तो फाइव की बात करें तो फाइव के पास जीरो पॉइंट फोर पॉइंट नाइन एट, फाइव से थोड़ा भी आगे नंबर गया, फाइव से थोड़ा भी आगे गया, फाइव प्लस एप्सिलॉन कुछ जो एप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन जीरो अगर वो इंक्रीज हुआ तो उस कंडीशन में ये जो पॉइंट है फाइव से फाइव प्लस एप्सिलॉन इस सेट से बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिक्स और एट पॉइंट है तो वो उसके बाहर चला जाएगा। तो इस कंडीशन हम कहेंगे कि जो फाइव जो है वो एक इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इस तरह से सिक्स की बात करें तो सिक्स माइनस कुछ एप्सिलॉन या सिक्स प्लस एप्सिलॉन सिक्स के अलावा कुछ थोड़ा भी इधर उधर जाएंगे तो वो बाहर चला जाएगा, तो उसके लिए भी एक नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये भी हमारे पास एक इंटीरियर पॉइंट नहीं है, एट भी एक इंटीरियर पॉइंट नहीं है, नाइन भी एक इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो इस तरह से इसके कुछ जो इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे वो नहीं होंगे इसके फाइव सिक्स एट नाइन। तो ये हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। माइनस फोर भी एक इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि माइनस फोर जो है वो बिलोंग्स टू एक्स तो करेगा लेकिन माइनस फोर डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो या ई ई की बात करें तो यहाँ पे ई पे बिलोंग नहीं करेगा तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। अब आता है हमारे पास फ्रेंड्स एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है हमारे पास? सपोज कि हमारे पास इस तरह से एक सेट है यूनिवर्सल सेट और ये इसका सबसेट है, तो इस कंडीशन में कोई पॉइंट पी बिलोंग्स टू यू, अगर यू की बात करें तो पी बिलोंग्स टू यू जो है पी बिलोंग्स टू यू, क्योंकि पी अगर ये हमारे पास एस सेट है तो पी बिलोंग्स टू यू एक एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। अगर यू माइनस एप्सिलॉन एंड यू प्लस एप्सिलॉन
जो है वो इंटायरली एस कॉम्प्लीमेंट या हम कहें कि एस के कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, यानी कि जिसमें एस शामिल नहीं है, एस के बाहर, इसका नेबरहुड जो है वो एस के इंटायरली बाहर अगर एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन कहेंगे जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर पॉइंट है। तो अंदर वाला जो पॉइंट लाइज करेगा वो इंटीरियर पॉइंट, और जो बाहर लाइज करेगा सेट के वो एक्सटीरियर पॉइंट। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारे पास बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स? बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास, बाउंड्री पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि किसी सेट की बाउंड्री पर डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज कि इस तरह से दोबारा से बना लेते हैं, ये एक यू है और ये एक सेट है। अगर इस पॉइंट की बात करें बाउंड्री पे, और जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं -4 एंड 5, इसमें हम बात कर रहे थे जैसे ओपन इंटरवल था इधर, तो -4 या 5 की बात करें तो -4 -4 -F(+F). तो अगर देखें तो -4 + F जो है वो एस के बाहर का पॉइंट है, और -4 -F जो है वो, सॉरी यहाँ पे हम एक लाइन पे इसको क्लियर समझ लेते हैं, ये इस तरह से -4 एंड 5। अगर देखें तो -4 -F जो है वो बाहर की तरफ का पॉइंट है इसके, और -4 + F जो है इधर की तरफ के पॉइंट्स हैं। तो इस कंडीशन में ये पॉइंट जो है -4 ना तो एक्सटीरियर पॉइंट है ना इंटीरियर पॉइंट है। तो ऐसे पॉइंट जो ना तो एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं ना इंटीरियर पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट्स कहलाते हैं हमारे पास बाउंड्री पॉइंट। अब जैसे हम यहाँ पे 6 और 8 की बात करेंगे तो 6 और 8 भी, क्योंकि 6 जो है ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना एक्सटीरियर पॉइंट है, तो उस कंडीशन में ये कहेंगे कि ये बाउंड्री पॉइंट्स है। क्योंकि 6 के नेबरहुड की बात करें हम तो -6 -F(+F), ये इंटायरली इसके बाहर नहीं है, ये इंटायरली इसके बाहर नहीं है, क्योंकि इसमें 6 जो है वो बिलोंग्स टू ई कर रहा है, 6 बिलोंग्स टू ई कर रहा है, तो इसलिए इसके इंटायरली बाहर भी नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे -6 जो है इसका एक बाउंड्री पॉइंट्स है। तो इस तरह से हम इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर ए बराबर ए की सेट है डिवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू एंड फेल्स। तो फर्स्ट है -6 इज एन इंटीरियर पॉइंट। -6 की अगर बात करें तो -6 कहाँ आएगा, इसको हम रियल लाइन पे डिनोट कर लेते हैं, -∞ to 4 ये, और उसके बाद 5 एंड, यहाँ 5 एंड 9, और साथ में ही ये हमारे पास 6 इधर से और 7, अब इसको थोड़ा डिस्टेंस पे बनाते हैं, 9 यहाँ और 6 एंड 7। अब अगर हम -6 की बात करें तो -6 -F(+F) जो कि इस पार्ट में हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा, एंड -6 -5.9 एंड -6.1 की बात करें तो ये डेफिनेटली -6.1 जो इंटरवल है एंड -5.9 ये इंटरवल जो है वो हमारे पास इसके अंदर इंटायर कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास एक इंटीरियर पॉइंट है। उसके बाद बात करनी है हमें 6 इज एन इंटीरियर पॉइंट। 6 की अगर बात करें तो फ्रेंड 6 -F(+F) होते ही 6 से कुछ कम होते ही, जैसे यहाँ से कुछ कम हुआ तो ये जो पॉइंट है ये उस पर बाउंड उसमें हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में ये पॉइंट जो है हमारे पास ये ना तो इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि अगर इंटीरियर की बात करेंगे तो इधर होना दोनों तरफ का होना चाहिए था, तो ना तो ये इंटीरियर पॉइंट है ना एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये हो गया हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स। उसके बाद है 9 इज अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ T। हाँ तो 9 और बाउंड्री पॉइंट ऑफ टी है, क्योंकि 9 -F(+F) ना तो पूरी तरह से इसके बाहर, इस रीजन के बाहर है ना अंदर है, क्योंकि 9 एग्जिस्ट कर रहा है, 9 बिलोंग्स टू जो सेट होगा उससे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए 9 जो है वो बाउंड्री पॉइंट है। उसके बाद है 5 इज एन इंटीरियर पॉइंट। 5 जो है वो एक इंटीरियर पॉइंट नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी एक बाउंड्री पॉइंट है, ये आप चेक कर सकते हो, और साथ ही जो नीचे की एक्सरसाइज है ये भी आपको चेक करके देनी है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री ऑफ अ सेट। थैंक यू फ्रेंड्स।